WPL के द्वितीय संस्करण का होगा शुभारंभ। विजेता एवं उपविजेता आतुर हैं एक दूसरे का तोड़ने दंभ। क्या है दोस्तों पूरी खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में एकदम विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिलेश्वर और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल N7 Sports में। तो दोस्तों WPL के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ 23 फरवरी यानी आज से बेंगलोर के एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में प्रथम संस्करण की विजेता मुंबई इंडियंस और उप विजेता रहे दिल्ली कैपिटल्स के मध्य संध्या 7 बजे से खेला जाना निर्धारित है। प्रथम संस्करण के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था, जहां मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 18 ओवर में 105 रन के कुल योग पर ऑल आउट करके 15 ओवर में 2 विकेट पर 109 रन बनाकर 8 विकेट से जीतकर लगातार 3 जीत के साथ जीत की हैट्रिक लगा अंक तालिका के पहले स्थान पर काबिज हो गई। ये WPL का 7वां मुकाबला था, जबकि 2 जीत और 1 हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज होने पर विवश होना पड़ा। राउंड रॉबिन लीग के आधार पर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान दूसरा मुकाबला 20 मार्च 2023 को पुनः DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जो महिला प्रीमियर लीग का 18वां मुकाबला था। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाने में सफल हो सकी। जब दिल्ली कैपिटल्स लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण को नेस्तनाबूद करते हुए मात्र 9 ओवर में विजय के लिए आवश्यक रन 9 ओवर में 110 रन बनाकर 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर पिछली हार का हिसाब किताब चुकता कर लिया। परंतु वक्त की नजाकत देखिए और समय के विडंबना देखिए, एक बार पुनः दोनों टीम फाइनल में फिर आमने सामने मैदान पर थी और दोनों टीम पहले संस्करण के ट्रॉफी को जीतने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रहे थे। फाइनल को जीतने के लिए दोनों टीमों के मध्य जोरदार टक्कर होने की संभावना थी, मगर फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से शिकस्त देकर महिला प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण के विजय का ताज मुंबई इंडियंस ने अपने सिर पर सजाकर WPL के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। एक बार फिर से दूसरे संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के मैच से दूसरे संस्करण का आगाज होगा, तब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी पहले मैच में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर फाइनल में शिकस्त का हिसाब बराबर करने के लिए ललायत व वग्र नजर आ रही है। वही मुंबई इंडियंस भी अपनी प्रतिभा के अनुरूप उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर अपनी पुरानी सफलताओं को दोहराते हुए द्वितीय संस्करण के पहले मैच में विजय से द्वितीय संस्करण का आगाज करने के लिए उत्साह और उमंग से सराबोर दिखाई जान पड़ रही है। तो आइए दोनों टीमों के संभवती अंतिम एक दस पर एक नजर डालने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मुंबई इंडियंस वुमेन की संभवती एक दस देखती हैं। तो अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, नताली साइवर, पूजा वस्त्रकार, सायका इसाका, यास्तिका भाटिया, शबनम इस्माइल, अमनदीप कौर, फातिमा जाफर, कीर्तन बालकृष्णन। दोस्तों ये हो गई मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। अब एक नजर डालते हैं दिल्ली कैपिटल्स के वुमेन प्लेइंग 11 के बारे में। तो एलिसा कैप्सी, जेमिमा रेड्रिक्स, लाला हैरिस, मरिजाने कैप, मैग लेनिंग जो कि कप्तान है इस टीम के, राधा यादव, सैफाली वर्मा, शिखा पांडे, स्नेहा दीप्ति, तानिया भाटिया और तिशासा साधु। तो दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन और धमाकेदार वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। दोस्तों वह वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर एवं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप उस वीडियो को जाकर भी जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि आज के मैच कौन सी टीम जीत सकती है, आप अपना राय जरूर से कमेंट करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है उस पर भी आप अपनी राय जरूर। दोस्तों अगर आपने अभी तक आपके अपने YouTube चैनल N7 Sports को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।